तो गाइस साल की शुरुआत अगर ऐसी हो हमारा ड्रोन गुम हो जाता अभी। यूट्यूबर की रोस्टिंग चल रही है। ये देखना यार, कोई पिल्ला मार के चला गया यहाँ पे, हटा देते इसको रोड। ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए इंसानों के अंदर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज है 1 जनवरी 2023। तो गाइज आज है न्यू ईयर, पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा लेट देख रहे हो, मतलब कि 2 या 3 दिन के डिले पे, बट 1 महीने तक तो न्यू ईयर रहेगा ही। मतलब कि अगर कोई भी 10-15 दिन बाद भी मिल जाएगा ना, वो भी कहेगा हैप्पी न्यू ईयर, ये चलता रहता है पूरा। आज का कुछ प्लान ऐसा है कि आज 1 जनवरी को हम सोच रहे थे कि हम कहीं पर बाहर जाएंगे, बट बाहर जाना नहीं हो पाया। मेरे साथ के दोस्त हरिद्वार लेके जा रहे थे मेरे को, कह रहे थे 1 जनवरी को हरिद्वार चलते हैं। मेरा तो मानना ये था कि भीड़ बहुत मिलेगी, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलेगी, क्योंकि 31 और 1 जनवरी को भीड़ बहुत ज़्यादा होती है हर कहीं पे। तो हम हरिद्वार नहीं जा रहे हैं, हम नेक्स्ट वीक ट्रिप कर रहे हैं, मम्मी मैं बीरेन और ओबी। तो या तो हम लोग उत्तराखंड जा रहे हैं या हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि उत्तराखंड जाया जाए या हिमाचल प्रदेश घूमने के लिए। इस बार तो ट्रिप पर मज़ा ही आ जाएगा, क्योंकि वी हैव ड्रोन। और क्या सिनेमैटिक पे सिनेमैटिक लेंगे गाइस, सिनेमैटिक पे सिनेमैटिक, जो प्यार दिखाया ना अपने वृंदावन वाले व्लॉग पे। एंड गाइस जो हमने प्रेम मंदिर पे जो ड्रोन शॉट लिया था ना, उस पर क्या भयंकर रिस्पॉन्स आया ना पब्लिक का, मजा आ गया, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, रील्स वायरल, मजे पे मजे। तो गाइस अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक, फॉलो कर लो जल्दी पे। हमारी 2 रील्स वायरल हो गई मस्त एकदम, और मजे आ गए, दिल खुश हो गया एकदम। आज 1 जनवरी के अवसर पर, न्यू ईयर के अवसर पर हम जाएंगे श्याम बाबा के। तो धीरज बोल रहा था, धीरज आएगा अभी थोड़ी देर में, तो मैं बीरेन और धीरज जाएंगे। गाइस देखते रहिए, आज इस ट्रिप पे भी हमें मजा आने वाला है, क्योंकि हमारी हर ट्रिप पे हमें बहुत मजा आता है। जितना आप लोगों को हमें देखने में मजा आता है ना, वो ज़्यादा हम लोग मजा लेते हैं। अगर कोई भी हमारा सब्सक्राइबर या फॉलोवर हमारे साथ में जाना चाहता है कहीं पर भी, मतलब कि नियर बाय, जैसे हम कहीं हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं या हम उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वैसे तो मैं स्टोरी डाल देता हूँ अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर कोई हमसे मिलता है और वो मैसेज करता है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोकेशन बता दिया करो, हम वहाँ पर आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। हम ऐसे औरों की तरह नहीं है कि हमारे अंदर अकड़ है, हम नहीं आएंगे, गाड़ी के दरवाजे नहीं खोलेंगे, नहीं भाई, हम बड़े फ्रेंडली बंदे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, ह्यूमैनिटी मैटर करती है इंसान की, यही लाइफ है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसा हम पैसे दिखाएं, हमारे पास 3 गाड़ियाँ 4 गाड़ी हम गाड़ियाँ दिखाएं, कुछ नहीं है, सब यही रह जाएगा। अपना नेचर अच्छा करो। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं ना, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े, उनको मैं सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि फ्रेंडली रहना चाहिए। मंजरी का वो दिल बहुत आता है ना, स्किन मिलते हुए गाइस, बीरेन मजा ले रहा है, पता नहीं किसकी बात कर ऑफ कैमरा बातें कर रहा है। भैया भैया आपने तो पूरा पॉइंट आउट ही कर दिया आदमी को, समझ जाओ ना ना, कोई नहीं समझ रहा। तो यार मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं फैला रहा हूँ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट नॉर्मली थिंग कह रहा हूँ कि ह्यूमैनिटी मैटर करती है इंसान की। अगर कोई हमसे बात कर रहा है खुश होकर, तो हमें उनसे बात करनी चाहिए, ना कि हमारे पास अगर पैसा है तो हम पैसों की अकड़ दिखाए, या हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा भी यही रखा रह जाएगा, आपके वर्ड्स आपके साथ जाएंगे। श्याम बाबा के जाने की बात कर रहे थे, और यहाँ पे पता नहीं किसी ने डीजे के अंदर गाने चला रखे, मतलब भजन चला रखे। कृष्ण जी ऐसे थोड़ी ना बनते हैं, तू तो वैसे ही पापी है, पापी लोग नहीं होते किशन जी, पापी है भाई तू, पहले अपने कर्म तो अच्छे कर, जब ही तो बनेगा। नहीं है भाई, अरे वो वाला धो ना। कौन सा? हरिद्वार में? हरिद्वार में ना, अबे घर पे धो लो। अबे साले दे देना इसको यार। अरे मैं देखो ना, पे ब्लेड बनेगा। ओए अभी वो भी फेंक दिया नीचे, नीचे फेंक दिया, ऊपर चढ़ के देख, क्या इधर चढ़ के देखा, हाँ देख इधर से, उधर गया दूर। गाइस दिख रहे हैं, आई एम सॉरी बाबू, अबे खोलना भाई। तो गाइस अभी ना धीरे जाके ये पकड़, जल्दी पकड़, चल चल भाई चुपचाप चल ले, चुपचाप चल ले, पापा लड़ रहे थे भाई। तो गाइस अभी ना हम निकल चुके हैं घर से, एंड अप्रोक्स हमें 30 से 35 मिनट्स लगेंगे वहां तक, लोकेशन तक पहुंचने में, बट हम बीच में रुकते हुए जाएंगे आराम से ड्रोन शॉट लेते हुए। आप एंजॉय करो हमारे सिनेमैटिक पर सिनेमैटिक। संभालो हमको, जमीन पर लाके हमें गवाए, संभालो हमको।
सभी से प्यार चाहे, तुम्ही से सबके राहे, सभी से प्यार चाहे। ठंडी हवा हमी तो है तुम्हारे घर, तभी तो है तुम्हारे पास, ना छोड़ो कभी हमारा साथ। गाइस अभी ना हमने ड्रोन शॉट लिए ना, जो आपने देखे भाई, हमारा ड्रोन गुम हो जाता अभी। मतलब है ना यार, इसके अंदर एक रिटर्न टू होम का ऑप्शन होता है, उसको हम दबाते हैं ना तो जहाँ से ड्रोन उड़ा है ना वहाँ पे आ जाता है। तो मैं सोचा जहाँ पे मेरे हाथ में रिमोट है ना वहाँ आ जाएगा, बट आया वहाँ पे जहाँ से उड़ाया 1.5 किलोमीटर दूर। और हम ढूंढ रहे हैं लोकेशन, और वो तो शुक्र है हमें दिख गया नीचे की। अब मम्मी अगर ब्लॉग देख रही होगी ना, मम्मी हमें दो गाड़ी पकेगी पहले, तो कहेगी तुम नहीं मानोगे भाई, तुम इसको घूम करके मानोगे। तो कोई नहीं गाइस, चलता है सब। दिल पे पत्थर रख के उड़ाना पड़ता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियोज के अंदर भी। हम पहुंच तो गए हैं यहाँ पे। अबे चे, हैप्पी न्यू ईयर बोल तो दे गुगुनाथ। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। जय श्याम बाबा की। गाइस मैं यहाँ पे आता रहता हूँ, बट फर्स्ट टाइम आज लाइन के अंदर लग रहा हूँ, न्यू ईयर की वजह से भीड़। हाँ फर्स्ट टाइम है कि इतनी भीड़ मिली है, फर्स्ट टाइम मिली है ना इतनी भीड़। इस साल की शुरुआत अगर ऐसी हो तो साल अच्छा जाता ही जाता है। तो यार हमने यही सोचा था कि हम आज न्यू ईयर के अवसर पर क्लब वगैरह क्या जाएं, हम यहाँ पे आ जाते हैं टेंपल में। क्या कह रहा है? सुबह सच्ची हुई है। क्या सच्ची हुई है? अच्छी हुई है शुरुआत, अच्छी हुई है। कैसे? सुबह से। अरे भाई अंकल का आज ना पता क्या हो रहा है, ऑफ कैमरा मैं शूट नहीं कर रहा आज। बिरेन को डांटे पड़ रही है घर पे पापा से सुबह से नए साल पे। भाई कैसे हालात है तेरे? मैं तेरे को लेके आया हूँ स्पेशल, ताकि तेरी थोड़ी सी लाइफ अच्छी रहे, यहाँ पे आके तेरे को थोड़ी शांति मिल जाए। किडनी का साइज छोटा हो गया भाई आज इसके साथ। बहुत गंदा सीन हो रखा है। लाला जी है, लाला जी ना है आज। बहुत गंदा सीन हो रखा है इसके साथ। इसको पता है आज डांटे क्यों टिकरी है? ये सारे उल्टे काम करता है, अपनी शार्पनर से पेंसिल को शार्प करके, या कोई भी कागज वगैरह जो भी होते हैं ना, पेपर वगैरह का जो भी कूड़ा होता है वो डस्टबिन में ना डाले के अपनी है ना बैग की साइड में एक पॉकेट है ना, उसके अंदर ठूस के घर पे ले आता है। और पापा ने आज देख लिया, आज ये पिटा तो नहीं, डांट खाई है तूने? हैं स्वाद साग होएगा? नहीं, पिटा नहीं है, डांट खाई है सिर्फ। ये तो बता दे, पिटा तो नहीं है ना कहीं? मैं बाहर गया और पीछे छेद दिया तेरे को? नहीं। अब क्यों बताएगा? जब आप बाहर गए थे, जब पापा भी बाहर गए थे। गाइस दूसरा इसने पता क्या करा? हैंकी होता है ना जो नॉर्मल अपन लेके जाते हैं हैंकी, उससे भाई साहब अपने ना स्कूल की बेंच साफ करता है। मतलब लंच में अगर कोई सब्जी गिर जाती है ना तो डस्टिंग क्लॉथ में भाई तू हैंकी लेके जाएगा क्या? पुराना इसके ना अतरंगी शौक हो चुके हैं। सबसे बढ़िया सोल्यूशन बताता हूँ, अब तो तू अपना हैंकी लेके गया था, अगली बार पापा का हैंकी ले जाइयो। रुको जरा, सबर करो। जब तो मैं यार आऊंगा ही नहीं पे। हम यहाँ पे रुके थे, मंदिर उस तरफ है। तो यार गाइज मैंने ये देखा, हमने सोचा कि यार यहाँ पे रुक के फोटोज क्लिक करवाते हैं। तो हमारी अच्छी अच्छी फोटोज देखने के लिए हमें इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो प्लीज, जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर है लिंक। पपीज बेबीज कम आ जाओ, तुम कोई बोल रहे हो? आ जाओ। यस हाँ, ये कर लो पहले। गाइज अभी ना हमने दोबारा से ब्रेक लिया यहाँ पे, एंड व्यू काफी अच्छा आ रहा है यहाँ से, एंड एक ड्रोन का मोड चेक करना है मेरे को। तो यार अभी बाहर आए हैं तो मैंने सोचा कि अभी चेक कर लेते, क्योंकि मैंने बताया ना अभी इन फ्यूचर हम एक ट्रिप पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले मैं सारे मोड चेक करके चलता हूँ, ताकि हमें इन फ्यूचर दिक्कत ना आए। पापा की परी, अरे राम गाइस यहाँ पे, गाइस यहाँ पे रोस्टिंग चल रही है भाई, यूट्यूबर की रोस्टिंग चल रही है। चलो तो गाइज अभी ना हमने यहाँ पे हाइपरलैप्स लिया था अपना, फर्स्ट टाइम ट्राई करा मैंने ड्रोन के अंदर ये फीचर जो है ना, अभी मैंने देखा भी नहीं कैसा है कैसा नहीं है। आपने देखा है तो कमेंट करके बताओ कि कैसा है। ये देखना यार, कोई पिल्ला मार के चला गया यहाँ पे, हटा देते इसको रोड से। ओए रुक जा, एक मिनट रुक,
वो मेरे को नैपकिन दे, धीरज नैपकिन दियो भाई। भैया इसकी ना डेथ हो गई, किसी ने मार दिया इसको। एंड अभी ना एक और गाड़ी वाले भी तेज फास्ट लेके गए, नीचे कोई देखते ही नहीं है यार। गाइस ये ना उसकी माँ है उस पिल्ले की, और ये इतना रो रही थी ना अभी। चलो गाइस ये ना बहुत गलत चीज है, अभी ना एक गाड़ी वाला, मतलब कि वो आई थिंक वो 18 साल का भी नहीं था, इतनी तेज करेटा लेके आया, पिल्ले के ऊपर चढ़ा दी उसने गाड़ी। मतलब मैं खड़ा था यहाँ पे खड़े होने के बावजूद भी उन्होंने चला दी। यार देखते ही नहीं है यार लोग, पता नहीं कैसे हो गए गाइस। लिटरली ह्यूमैनिटी नहीं बची। मैं सुबह ये बात कर रहा था कि ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए इंसानों के अंदर, पता नहीं कौन मार के चला गया। अगर गलती से किसी से लग भी जाए तो एटलीस्ट वो नीचे उतर के इसको साइड में तो कर दे, ताकि किसी और की गाड़ी के नीचे ना आए हो। बट यार नहीं यार, ये चीज बहुत गलत है, पता नहीं क्यों लोग ऐसा करते हैं। तो है क्या दिक्कत है? तो गाइज ऊपर है ना पापा खड़े, पापा के डर की वजह से निकल नहीं रहा। तो गाइज अभी ना घर पे पहुंच गए, एंड घर पे आते जाते बीरन को दोबारा से डांट टिक गई भाई। अभी की आज किस्मत खराब है, मेरे को लग रहा है अब दिमाग खराब है। और गाइज उसको ना उसी बात पे डांट टिक रही है जिस डांट पे मैंने बोला था ना आपको। क्या हो रहा है तेरे साथ में है? सही है तू, दिखाइए इधर देख ना एक बार, इधर तो देख, रो रहा है क्या? रो क्या है, रो क्या है, रो रहा है क्या सही में? अबे क्या हो गया फिर? वैसे तेरी भी गलती है भाई, ओए ओ नंगे, तेरी भी गलती है ना। सुबह से शाम हो गई और उसी बात पे डांट टिक रही है इसको, जिस बात पे सुबह डांट खा रहा था। जब ना हम इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। एंड गाइस एक मैसेज मैं आप सभी को यही देना चाहूंगा, अभी जो ये एक्सीडेंट हुआ था ना पिल्ले का किसी का, पता नहीं कौन मार के चला गया XYZ, बट उसके बावजूद भी वो रोड के ऊपर ही पड़ा था। तो मैं सभी को ये कह रहा हूँ, अगर आपसे हो भी जाता है एक्सीडेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको कम से कम रोड से साइड में कर दो, ताकि कोई और गाड़ी उसके ऊपर से ना गुजरे। आई प्रोमिस वन थिंग टू ऑल ऑफ यू कि इन फ्यूचर इफ वी गेट अ मोर ऑडियंस ऑन YouTube, तो गाइज हम एनिमल्स के साथ में खड़े होंगे, ताकि उनको हम इन सारी चीजों से थोड़ा दूर कर सके और उनकी कुछ हेल्प कर सके। अभी तो मेरे पास में अभी इतनी फंडिंग नहीं है, तो इन फ्यूचर जब भी मेरे पास में कुछ भी फंडिंग होती है, कुछ भी मेरे पास में पैसा या कुछ भी जो मैं कर पाऊंगा, तो मैं जरूर करूंगा एनिमल्स के लिए। तो मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि प्लीज सपोर्ट अस, हमें जितना ज्यादा सपोर्ट करोगे हम उतनी ज्यादा औरों की हेल्प कर पाएंगे। तभी ना हम इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना, और बाकी की वीडियोज के लिए देखते रहिए धीरू बीरू ब्लॉग्स। राधे राधे। गाय कैसे करती है? सारा टैलेंट भाई के। तो अच्छी अच्छी फोटोज देखने के लिए धीरू बीरू ऑन इंस्टाग्राम।